पृथ्वीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने बड़े स्तर पर बूथ कैप्चरिंग की योजना तैयार की है। यह सनसनीखेज आरोप कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया है। कांग्रेस के नेता जेपी धनोपिया ने भाजपा नेता अनिल पांडे का एक वीडियो चुनाव आयोग को सौंपा है, जिसमें चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाने की बात कही जा रही है। उसमें बूथ कैप्चरिंग का जिक्र भी किया गया है। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने चुनाव आयोग को यह वीडियो सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने भाजपा नेताओं की इन हरकतों को शर्मनाक करार दिया है। वहीं पृथ्वीपुर के भाजपा नेता अनिल पांडे का यह वीडियो सोशल मीडिया में भी जमकर वायरल हो रहा है, जिससे सियासी दलों में हड़कंप मचा हुआ है। अब वीडियो चुनाव आयोग के पास पहुंच चुका है, लिहाजा कांग्रेस चुनाव आयोग की ओर से की जाने वाली कार्यवाही का इंतजार कर रही है। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर, रेगा और जोबट विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं। कल 30 तारीख को मतदान होना है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, प्रशासन मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, और जिस तरह से उन्होंने योजना व तरीके से कार्य करना शुरू किया है वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। शराब बांटी जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, और पृथ्वीपुर के अंदर तो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शिशुपाल सिंह द्वारा हदी कर दी गई है। उन्होंने अपने समर्थक अनिल पांडे के द्वारा लोग इकट्ठे करके एक तैयारी की जा रही है कि कल मतदान केंद्र को लूटा जाए, बूथ कैप्चरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि 70 बूथ हमारे जाति समाज के हैं, हमें उन पर एक तरफा डालना है, जाएंगे लोग और वोट बुक करेंगे, और 70,000 की हमारे को लीड वहां से रहना है, 70 बूथ लूटना है। ये बूथ कैप्चरिंग करने की योजना का वीडियो हमने आज माननीय चुनाव निर्वाचन आयोग को सौंपा है। हमने मांग की है कि ये जो अनिल पांडे नाम के व्यक्ति हैं, जो भाजपा नेता है निवाड़ी के, इनको तत्काल उनके साथियों को गिरफ्तार किया जाए और वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, विशेष पुलिस बल लगाए जाए, जिससे कि वहां का चुनाव का मतदान निष्पक्ष शांति संपन्न हो सके। हमें उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग इस पर कोई स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे और निष्पक्ष रूप से मतदान संपन्न हो सकेगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।